जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। हाँ दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे का फाइनल स्टेज पर चल रहा है और बहुत ही जल्द इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया जाएगा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस एक्सप्रेसवे के फर्स्ट पैकेज, मतलब जो मेरठ से ये स्टार्ट किया गया है और बिजोली ग्राम पड़ता है मेरठ जिले के अंदर, तो NH 335 और NH 334 जिसको न्यू कर दिया गया है, ये वो उसको क्रॉस कर वहां पर इंटरचेंज बनाया जाएगा। हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे का जो जिम्मा है, इसका जो कंट्रैक्शन चलेगा वो जो LN मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को सौंप दी गई है और इस एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट जो तैयार है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ये जो इंटरचेंज है ये किस प्रकार से बनेगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें यूपीडा ने इस इंटरचेंज की जो डाटा है वो यूपीडा ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है, वहां पर भी आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक इमेज है जिस पर लिखा हुआ है यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। दोस्तों ये जारी किया गया है और मैं आपको बता दूं डेवलपमेंट ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे फ्रॉम मेरठ टू प्रयागराज इन एसएससीज कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। इस एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड में तब्दील किया जाएगा और इसका वॉल्यूम जो आपका ग्रुप वन है उसको अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो है फ्रॉम CH7+902-137+600 June 2021 के माह में ये अपडेट कर दिया गया था, लेकिन हम आपको अब बताएंगे जिस तरह से स्टार्ट पॉइंट इसका दिखाया गया है NH 335 फ्रॉम NH 334 ये है, और मैं आगे हम आगे बढ़ते हैं आपको आगे दिखाएंगे इस प्रकार से, और मैं आपको बताऊंगा कि सभी प्रकार के जितने भी 12 जिले हैं, 12 के 12 जिलों के जो भी इंटरचेंज है कहां कहां इंटरचेंज बनेगा, आपको एक एक इंटरचेंज और कहां कहां टोल प्लाजा बनेंगे उसकी जानकारी भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को देते रहेंगे। दोस्तों ये इस प्रकार है जो आपको मैं डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, ये इंटरचेंज है जो इंटरचेंज बनाया जाएगा। दोस्तों NH 334 को ये क्रॉस कर और ये गंगा एक्सप्रेसवे जो बिजोली की तरफ होता हुआ आ रहा है ये इस प्रकार बनाया जाएगा और इसके चारों तरफ ये गोल चक्कर बनाकर इस प्रकार से गोल चक्कर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इस गंगा एक्सप्रेसवे का जो शिलान्यास बहुत ही जल्द होने वाला है और इसका कंस्ट्रक्शन भी चालू हो जाएगा, और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे में अब जमीन का जो जमीन है जहां पर इंटरचेंज बनना है उसकी सैंपल लिए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द सैंपल लेने के बाद में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे साथ जुड़ रही है।